नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 नवंबर 2024 शनिवार का राशिफल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या है आज के शुभ संकेत और कैसे आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। आज के राशिफल में हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों के लिए आज के सितारे खुशियां लेकर आएंगे और किसे सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि 21 सितंबर 2024 को आपके लिए क्या है खास। इस तरह के सारे सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास कार्तिक है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु हेमंत ऋतु है। आज अष्टमी तिथि रात 10:45 तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज श्रवण नक्षत्र दोपहर 11:45 तक रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग वृद्धि योग सुबह 4:23 तक रहेगा, इसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मकर राशि में रात 11:27 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा, चंद्रोदय सुबह 1:17 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:26 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 9:22 से शुरू होकर 10:43 तक रहेगा। अब जानते हैं 9 नवंबर 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि, चंद्रमा आज मकर राशि में है। आप आज थोड़ा मूडी महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप अपने जीवन में कुछ चल रही नकारात्मकता से छुटकारा पाने के सभी तरीकों के बारे में भी सोच सकते हैं। आप हाल ही में चीजों के बारे में बहुत शिकायत कर रहे हैं, हालांकि ये शुरू में एक समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन यह आपके आसपास के अन्य लोगों के मूड को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सुझाव देते हैं कि आप अपने मूड को नकारात्मक रूप से दूर ना होने दें और अपने चारों ओर थोड़ी खुशी और शांति महसूस करने की कोशिश करें। इसलिए अपनी भावनाओं के नियंत्रण में रहने की कोशिश करें और अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं। रोमांस की दुनिया में आपके खाते में आज पुनः मिलन का योग है। आज आप अपने पुराने पार्टनर से मिल सकते हैं, आने वाला व्यक्ति आपको हैरत में डाल देगा, मौके का लाभ उठाएं। करियर की बात की जाए तो इस समय आपका काम अच्छा चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने काम में और अधिक सफलता चाहते हैं तो आपको विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए। इसकी मदद से आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल जाएंगे और आपके करियर में भी वृद्धि होगी। अपनी योजना ध्यान से बनाएं और अपने श्रोताओं को भी ध्यान से चुनें और फिर देखें इसका फायदा आपको कितनी जल्दी मिलता है। जहां तक आर्थिक मामलों की बात है, आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह की जरूरत पड़ेगी। किसी निवेश संबंधी मामले को लेकर आप उलझन में रहेंगे, ऐसे में कोई समझदार आर्थिक सलाहकार ही आपको सही सुझाव दे सकता है। उसे गौर से सुने और उस पर अमल करें। हेल्थ की बात की जाए तो आज आप दर्द से परेशान हो सकते हैं, इसलिए दर्द को आप बिल्कुल भी नॉर्मली ना लें और जरूर डॉक्टर को दिखाएं। शाम 6 से 7 का समय रहेगा लकी, लकी नंबर रहेगा 7 नंबर। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। प्रिय वृषभ राशि के जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आज चंद्रमा के मकर राशि में होने के कारण आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। कार्यस्थल पर कोई विशिष्ट परिदृश्य या अनुभव आपको प्रभावित करने में सक्षम होगा। आप आज यथार्थवादी और उचित चीजों के लिए तैयार हैं। आपके दृष्टिकोण में यह बदलाव आपको लाभ प्रदान करेगा और ये आपके काम के लिए फायदेमंद होगा। वरिष्ठ पद के लोगों सहित आपके सहयोगियों द्वारा आपको सराहा जाएगा। यह आपकी जिंदगी में एक नए चरण की शुरुआत हो सकती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। आज आप किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में अकेले हैं तो आज कोई प्रेम संबंध आपको मिल सकता है। अपने प्यार का इजहार जल्दबाजी में ना करें। करियर की बात की जाए तो आज के दिन आप बाहर जा सकते हैं अपने काम के सिलसिले में। अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दें कि आपके लिए चीजें खराब रहेंगी। नेगेटिविटी को आप अपने दिमाग से निकाल दें। कभी कभी हमारी नेगेटिविटी ही हमारे रास्ते में एक रोड़ा बन जाती है। आर्थिक मोर्चे पर आप किसी के कहे में ना पड़े, अपने दिल की सुने। अब तक आपके अपने किए गए फैसले अच्छे रहे हैं तो फिर खुद पर संदेह कैसा। अपने फैसलों पर अड़े रहें, आपका फैसला सही साबित होगा।
आज आपके लिए खुशखबरी है कि आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस इलाज को चलते रहने दें या नहीं, मगर ध्यान रहे आपकी जरा सी लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। दोपहर 3 से शाम 5 का समय रहेगा लकी समय आपके लिए। आपके लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 6। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, आपके लिए भ्रम पैदा हो सकता है आज और कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और उसी के अनुसार अपने कर्मों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी ताकि आप किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को ना भूलें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी के अनुसार आपको हर क्षेत्र में बहुत संभल कर और एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। लव लाइफ में अपने पार्टनर की खोज में आपका उत्साह चरम पर है। पिछले दिनों इस काम में आपको सफलता नहीं मिली, पर आज आपके होने वाले पार्टनर के पारिवारिक सदस्य आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में जरा भी ना हिचकिचाएं। वो अपने दिल से आपका हित चाहते हैं और आपको अच्छी सलाह देंगे। आप इस बात को लेकर अपने दोस्त से सलाह जरूर करें। अपनी माली हालत फिर से ठीक करने के लिए किसी समझदार या आर्थिक सलाहकार से सलाह लें। अपने खर्चों की भरपाई के लिए जरूरी है कि आप अलग अलग बजट से थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़ें और इस काम में कोई आर्थिक सलाहकार ही सही सुझाव दे सकता है। आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। आज आपके लिए बहुत ही व्यस्त दिन है, इसलिए हेल्थ थोड़ी इग्नोर हो सकती है। पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। आपके लिए आज शाम 4:30 से 6 का समय रहेगा लकी क्रीम कलर। लकी कलर रहेगा लकी नंबर आपके लिए आज रहेगा नंबर 7। धन्यवाद। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या कहता है आज का राशिफल। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, आप अस्त व्यस्त हो सकते हैं। आप अचानक परिवर्तन महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो अब आप चीजों को बेहतर बनाने के लिए चिंतित रहेंगे। अपने प्रयास करें उन्हें जो किसी पार्टनर की खोज में है सफलता मिलेगी। आप ऑनलाइन शायद विवाह संबंधी साइट पर पार्टनर के सहारे आपस में मिल सकते हैं। ये विदेश में रहने वाला कोई हो सकता है। हो सकता है कि वो आपसे छिप छिप कर मुलाकात कर ले और आप हैरत में पड़े रह जाएं। करियर की बात की जाए तो आज आप अपने करियर को लेकर किसी करियर एडवाइजर से मिलने की सोचेंगे। आपका यह निर्णय बहुत ही सही है क्योंकि अब अपने करियर संबंधी योजना बनाने का समय आ गया है। आज के दिन का उपयोग खुद को सही रास्ते पर लाने में करें। कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले दो बार सोचें। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह बड़े काम की होगी। यदि कोई बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, सही वक्त आने दीजिए। अपने आर्थिक लक्ष्य को मजबूत करने के लिए आपको सही दिशा अपनाने की जरूरत है। हेल्थ की बात की जाए तो हो सकता है आज आपका पुरानी बीमारी से पीछा छूट जाए। ध्यान रहे कि आप संतुलित और पौष्टिक भोजन लें और कसरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अच्छी सेहत से आज आप पाएंगे कि पाचन क्रिया भी पहले से अच्छी हो गई है। अच्छा कार्य करते रहें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 3 से शाम 5 का रहेगा। भूरा रंग रहेगा आपका लकी कलर। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 5। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, सुनिश्चित करें कि आप आज कुछ भी गलत नहीं करते हैं क्योंकि आपकी कूटनीतिक क्षमताओं की परीक्षा होने जा रही है। यदि आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी सीमाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो आपको उन्हें अत्यधिक कठोर हुए बिना रोकने के लिए एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों के प्रति क्रूर होना हमेशा अपनी बात को पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है। लव लाइफ में आपके रोमांस की जिंदगी में आज खुशी के कुछ पल आ सकते हैं। आप उससे ऐसे हालात में मिल सकते हैं जैसे आपने सोचा भी ना हो। मिलने वाला पार्टनर दोस्त हो सकता है या आपका कोई पूर्व परिचित हो सकता है। करियर के मामले में आज विद्यार्थी अगर अपने करियर को लेकर किसी उलझन में है तो किसी निपुण करियर सलाहकार से बात करनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें जो कि आपको अच्छी सलाह दे सके। अपने आर्थिक हालात से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। सोच समझकर अपने सलाहकार का चुनाव करें। आपको उसकी सलाह से अच्छी दिशा मिलेगी। आपकी गाड़ी पटरी पर आएगी। हेल्थ के मामले में आज आपको काफी समय से चलती आ रही बीमारी परेशान कर सकती है। अभी वो आपको छोटी समस्या लग सकती है, मगर आज
आपने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में ये भयंकर रूप ले सकती है, इसलिए आज के दिन अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार हरा रंग आपका भाग्यशाली रंग है। दोपहर 3 से शाम 4 का समय रहेगा शुभ समय। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 4। धन्यवाद। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, आप निसंदेह कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे कार्य के माध्यम से कुछ लाभ ले सकते हैं। आज के दिन ये लाभ एक निस्वार्थ कार्य के परिणाम स्वरूप आपको मिल सकता है। जो भी हो, आप परिणाम से प्रसन्न होंगे, इसलिए आज अपने रास्ते में आने वाले हर आकर्षक अवसर का लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र को विस्तृत करें। लव लाइफ में जिनके पार्टनर दूर रहते हैं, आज उनकी आश्चर्यजनक रूप से मुलाकात हो सकती है। कहीं बाहर के लिए अच्छी योजना बनाएं। आपको आज पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिन कैसे बीत गया। इस बात के संकेत हैं कि जो लोग किसी नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको किसी निपुण ज्योतिष से सलाह मिल सकती है। अगर यह सलाह करियर से संबंधित होगी तो उनकी सलाह से आपको फायदा होगा। अपने लिए कोई अच्छा ज्योतिषी ढूंढें और जानें कि वो आपके लिए क्या कहना चाहता है। आर्थिक मामले में आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे। सही और तत्पर निर्णय आपको औरों से आगे ले जाएगा। अपने आर्थिक सलाहकार की बात को गौर से सुने और उस पर अमल करें। हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। टीवी पर मशीन द्वारा दिखाई गई कसरत पर ध्यान ना दें। जितना आप जानते हैं बस वही करें और प्रॉपर डाइट फॉलो करें। सफेद रंग रहेगा आपका लकी कलर। शाम 6 से 7 का समय रहेगा लकी समय। आपके लिए आज का लकी नंबर रहेगा नंबर 4। धन्यवाद। बात करते हैं तुला राशि की। तो प्रिय तुला राशि के जातक, आज आप एक मजेदार यात्रा या अपने परिवार के साथ एक व्यापार यात्रा पर जा सकते हैं और यह आपको बहुत अच्छा महसूस करा सकता है। आज आपको आकर्षण और बुद्धि का उपहार मिलेगा, तो इसे अपने काम पर इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लाभ के लिए भी उपयोग करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है कि आज आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह से काफी फायदा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप इस सलाह का उपयोग अपने करियर या व्यक्तिगत विकास में कर सकते हैं। रोमांस की नजर से आपका ये दिन अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर के प्यार से बहुत खुशी मिलेगी। दिन के अंत में आपको लगेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता है। जहां तक करियर की बात है, आज आपको अपने करियर के संबंध में किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज के दिन आपको अच्छी नौकरी के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। साथ ही अपनी उन्नति के लिए आज कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। आर्थिक स्थिति के मामले में यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज उसका चुनाव कर लें। आज का चुनाव काफी संतोषजनक लगेगा। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। यदि आज आप गाड़ी नहीं लेना चाह रहे तो कम से कम आज शोरूम जरूर जाइए। हेल्थ की बात की जाए तो आज आप शाकाहारी भोजन का रुख कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ। आज आप अपनी हेल्थ का इंपॉर्टेंस जरूर समझेंगे। मांस छोड़ना आपके सेहत के लिए फायदेमंद होगा। शुभ रंग आज के लिए रहेगा नीला। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाने के लिए सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक का समय अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, चंद्रमा की मकर पर उपस्थिति से आप में से कुछ को अपना आपा खोने का खतरा हो सकता है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप क्रोधी मनोस्थिति में हो सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर क्रोधित ना होने के लिए आपको किसी भी झुकाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लव लाइफ में सामाजिक कार्य हेतु किसी स्थान पर अगर आज आप निकलते हैं तो आप एक खास व्यक्ति से मिल सकते हैं। ये जगह कॉफी शॉप हो सकती है, कोई बार हो सकता है, या गार्डन में अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो हो सकता है वहीं पर आपको ये व्यक्ति मिल जाए। करियर की बात की जाए तो अगर आप अपने काम को लेकर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आज के दिन अपने जीवन साथी से सलाह लें या फिर अपने किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लें। इनकी सलाह आपको काम आएगी। आज के गलाकाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा के समय में आपको सलाहकारों से भी सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति के मामले में आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कोई आपको गुमराह ना करे। हेल्थ के मामले में आज आपको सेहत के प्रति सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा खाना खाने से हो सकता है आपको पेट की कोई परेशानी हो जाए, इसलिए आज अपनी डाइट बहुत ही बैलेंस्ड रखें। मन को शांत रखने के लिए आज हरा रंग पहने।
सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए आप शाम 5 बजे से पहले अपने कार्य कर लें। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा 8। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप आज उत्साहित और भविष्य को लेकर आशावान होंगे। आपके ऑफिस और पारिवारिक जीवन में चीजें अच्छी चलेंगी। आपका खुश मिजाज रवैया आपको अपने भविष्य को सकारात्मक रूप देने में मदद करेगा। आपको अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने परिवार और दोस्तों को आपकी खुशी का अनुभव होगा। आज रोमांस की बात की जाए तो लव लाइफ में काफी अच्छी चीजें आप महसूस करेंगे। आपका सच्चा पार्टनर दूरी पर है, इंटरनेट पर पार्टनर की खोज में सफल हो सकते हैं। आज के मौके का लाभ उठाएं। करियर की बात की जाए तो अगर आप सोचते हैं कि करियर के क्षेत्र में आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, तो ये समय है जब आप ये डिसाइड करें कि आपको आखिर करना क्या है अपने करियर में। चीजों को लेकर श्योर हो जाएं और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन भाग्यशाली। आज बिना किसी भागदौड़ के मनचाहा घर मिलेगा। घर खरीदने के लिए अगर कर्जे के लिए आवेदन देना है तब भी आज का दिन बहुत अच्छा है। हेल्थ की बात की जाए तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और स्नैक्स वाले खाने से दूर रहें। ताजा फल खाएं क्योंकि आज से ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और ये लक्ष्य आपको अच्छी आदतों और जीवन शैली की ओर ले जाएगा। आज का दिन हरा रंग रहेगा लकी कलर। आपके लिए दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा लकी समय। आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, आज के दिन आप प्रतिस्पर्धा से काम करेंगे। आप अपनी सामान्य ज्ञान बुद्धि से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। यह आपके लिए सबसे अच्छा समय है कि आप एक मजबूत और सफल व्यक्ति बनेंगे। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ साथ अधूरी योजनाओं पर काम करने के लिए भी अच्छा है। लव लाइफ में आज अकेले लोगों को पहली डेटिंग पर जाने की संभावना है। आपका पार्टनर तुरंत मिलने वाला या पूर्व परिचित भी हो सकता है। बात करते हैं आपके करियर की। आज करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये बदलाव आपको बेचैन महसूस करा सकते हैं, लेकिन आप अगर इन बदलावों के साथ अडाप्ट करते हैं तो आपके लिए सफल जीवन बन सकता है। आर्थिक स्थिति के मामले में यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज आपको मनचाही जगह मिल जाएगी। आज आप संपत्ति के कई विकल्प देखेंगे, इससे सही घर का चुनाव कर पाएंगे। फिर आप उस घर को खरीदने के लिए धन जुटा लेंगे। बात करते हैं हेल्थ की। अपने खाने की आदतों में सुधार लेकर आए क्योंकि वो समय आ गया है जब अच्छी सेहत की ओर आपको बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा काला। आपके लिए शाम 5:15 से 6 का समय रहेगा शुभ। आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, आज आपके दृष्टिकोण में कुछ बदलाव आए हैं। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं आप उसके लिए शंका में रहते हैं, परंतु आज आप काफी उत्पादक व प्रेरित महसूस करेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं ताकि बाद में आपको ये एहसास ना हो कि आपने किसी चीज की उपेक्षा की है। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे नए व्यक्ति से होगी जो आपसे चोरी छिपे प्यार करता है। वो आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, आपके आसपास का कोई व्यक्ति। ये व्यक्ति आपको आज कॉफी पर बुला सकता है। बात करते हैं करियर की। आज आपको लगेगा कि कोई आपको सही दिशा दिखा रहा है। ये कोई सलाहकार या फिर आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपके सामान्य व्यवसाय या वेतन के अलावा कहीं और से भी धन की प्राप्ति दिख रही है जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी। इससे आपको बेहद खुशी मिलेगी क्योंकि आपने ये तो सोचा ही नहीं था। आपकी कड़ी मेहनत रंग ला रही है। आपके लिए कुछ नए मौके खुल रहे हैं जिनकी आपको उम्मीद तक नहीं थी। हेल्थ के मामले में अगर आपको वजन की परेशानी है, आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये वक्त है जब आपको गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए। फिट रहने को लेकर खुद को नजरअंदाज ना करें, इसलिए इस बात को दिल से सोचिए कि अगर आप व्यायाम के लिए जाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आप अपनी डाइट को सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आज के लिए आपका शुभ रंग भूरा रहेगा। आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 6। धन्यवाद। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक,
अधिकतर मकर राशि में चंद्रमा रहता है, जिसकी वजह से आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत रहती है। इसलिए जल्दी से किसी पर भरोसा ना करें। कभी कभी आप किसी पर भी जल्दी से भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा निराशा मिलती है। चाहे देर से ही सही, परंतु आपको उस बात से परेशानी जरूर हो सकती है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दो बार जरूर सोचें। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तब इसमें दूसरों को चुनाव ना करने दें, बल्कि आप अपने मन की सुनें। लव लाइफ में आज आप अपने रोमांस जीवन का आनंद लेंगे, जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं, वो आज आपको मिल सकता है। आज वो ऐसा कुछ कह सकता है जिसके वजह से आप बेताब महसूस करेंगे। धीरज रखें और ज्यादा जल्दबाजी ना करें। जहां तक आपके करियर या स्कूली शिक्षा की बात है, आपको किसी अच्छे सलाहकार की सलाह आज लेनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के मामले में हो सकता है कहीं से आपको ऐसी रकम मिले जिसके लिए आपने कभी कोई प्रयत्न भी ना किया हो। हो सकता है कोई आपको तोहफा दे, कोई आपको अपना उत्तराधिकारी बना ले, या भाग्य भरोसे कोई और धन हाथ लग जाए। जो भी हो, ये ऐसा धन है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आप आज जो भी खाएं उस पर सावधान रहें। आज तले भुने खाने को अवॉइड करें। अपने पेट का ख्याल रखें। आज आपको खाने से संबंधित सतर्कता बरतनी होगी। जल्दी आप अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे, अच्छी सेहत में आ जाएंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करें। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए शाम 4:30 से 6:15 का समय रहेगा। शुभ आज के लिए आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।